मनीष गुप्ता की मौत के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरोसे, मुआवजे और आश्वासनों का पिटारा तो खोल दिया था, मगर यूपी पुलिस की वर्दी को दागदार कर देने वाले गोरखपुर के मनीष गुप्ता हत्याकांड को पूरा एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन अभी भी आरोपी पुलिस वाले एसआईटी और पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। शनिवार को कानपुर से गोरखपुर पहुंची एसआईटी टीम ने मौके वारदात समेत कई जगहों पर जांच पड़ताल की। एसआईटी का दावा है कि सभी बिंदुओं पर छानबीन करने के बाद बहुत से ऐसे सबूत उनके हाथ लगे हैं जो बहुत जल्द इस पूरे मामले का खुलासा भी कर सकते हैं। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता के मर्डर की जांच के लिए एसआईटी ने रविवार की सुबह से ही जांच पड़ताल में लगी रही। दूसरे दिन एसआईटी की अलग अलग टीम एक साथ होटल कृष्णा पैलेस, मानसी हॉस्पिटल और बीआईडी हॉस्पिटल कॉलेज पहुंची और वहां जाकर मामले से जुड़े सबूत जुटाए। एसआईटी ने रविवार की दोपहर तक तो सर्किट हाउस में ही सारे सबूतों और तथ्यों का अध्ययन किया। वहीं पर मनीष गुप्ता के शव का पंचनामा करने वाले मेडिकल कॉलेज चौकी के दारोगा को बुलाया गया और उससे कुछ सवाल किए गए। इसके बाद केस के आईओ रहे क्राइम ब्रांच के दिलीप पांडे को बुलाया गया और उनसे कुछ सवाल पूछे गए। दोपहर के बाद सर्किट हाउस से निकले तो रामगढ़ ताल क्राइम ब्रांच ऑफिस, मानसी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर जाकर जांच की। सभी जगहों पर संबंधित लोगों के बयान लिए गए, फिर बयानों को सीसीटीवी फुटेज के जरिए समझने की कोशिश की गई। इसके बाद सोमवार को फिर एक बार एसआईटी मानसी हॉस्पिटल पहुंची। एसआईटी टीम ने थाने की जीडी को भी खंगाला। एसआईटी देखना चाहती थी कि जीडी में इंस्पेक्टर और दूसरे पुलिस वालों की रवानगी दर्ज है या नहीं, रवानगी में पुलिस वालों ने क्या दर्शाया है, घटना के बाद वापसी में कोई तस्करा डाला है क्या, तस्करे में क्या लिखा गया है। लेकिन एसआईटी को यहां पर भी खामियां मिली, कहीं भी उनके आने जाने का कोई भी ब्यौरा दर्ज नहीं हुआ है। एसआईटी ने पुलिस कर्मियों से आरोपित पुलिस वालों के व्यवहार कार्यशैली के बारे में भी जानकारी ली। वहीं रामगढ़ ताल के इंस्पेक्टर की उस जीप से भी फॉरेंसिक टीम ने नमूने लिए जिससे मनीष गुप्ता को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया था। एसआईटी टीम क्राइम ब्रांच ऑफिस भी पहुंची। टीम ने वहां भी आयो से बातचीत की। उन्होंने विवेचना में अब तक कितने पर्चे काटे हैं उसे देखा और पढ़ने के साथ ही अन्य बिंदुओं पर जानकारी जुटाई। करीब 4 घंटे के दौरान एसआईटी ने अब तक सामने आए सभी सबूतों के आधार पर एक बार फिर से केस का आंकलन कर उसे नोट किया। फिर सोमवार को तीसरी बार एसआईटी टीम मानसी हॉस्पिटल पहुंची, जहां सबसे पहले मनीष गुप्ता को लेकर पुलिस वाले आए थे। इस दौरान एसआईटी ने डॉक्टरों से भी पूछताछ की। जब मनीष को लेकर पुलिस पहुंची थी तो पल्स नहीं चल रही थी। डॉक्टर से जब हमने इस मामले में बात करने की कोशिश की तो एसआईटी और उनके बीच की बात को उन्होंने बताने से मना कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि हमने तत्काल उसे बीआईडी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। एसआईटी ने डॉक्टरों से पूछा कि पुलिस वाले कहां कितने बजे आए थे। हालांकि रात में करीब 7 बजे टीम दोबारा आई और कुछ देर तक जांच करने के बाद सर्किट हाउस लौट गई। एसआईटी ने मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर को दौरा भी किया, जहां पर ट्रॉमा सेंटर के सीसीटीवी कैमरा खराब मिले। मृतक मनीष गुप्ता को भर्ती कराने के लिए पर्चे बनाए गए थे। मनीष को अंदर तक ले जाने के लिए पुलिस को स्ट्रेचर भी मिला था या नहीं, मनीष को लेकर कितने बजे पुलिस पहुंची थी, कितनी देर तक और क्या इलाज किया गया, मौत की पुष्टि होने से पहले किस तरह के घाव उनके शरीर पर नजर आए थे, इन सभी सवालों का जवाब एसआईटी ने तलाश किया। कई बार पूछने पर भी एसआईटी के प्रमुख ने मनीष गुप्ता हत्याकांड के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन इतनी गहन जांच को देखकर लग रहा है कि इस मामले में जल्द ही कोई बड़ा खुलासा होने वाला है और संभव है कि 2 दिन के अंदर जांच पूरी भी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम।